हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत। मैं बीरबल धाकर, आज आपको मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करके कुछ सिखाना हूँ। और आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे आप देखते जाएंगे, मैं स्क्रीन पे आपको ब्लूप्रिंट बताता जा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ब्लूप्रिंट बताता जा रहा हूँ, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हमें बोर्ड में पेपर मिलना है। और ब्लूप्रिंट यदि हमने जान लिया तो बहुत कुछ समस्या का समाधान हो गया। तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं तो वह है 1 से 5 क्वेश्चंस तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और 5 से 7 नंबर तक दो-दो के प्रश्न आएंगे, और 7 से 9 नंबर तक तीन तीन प्रश्न आएंगे, और 10 से हमारे पास कितने तक 14 नंबर तक क्या आएंगे, चार चार नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 5 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो उन प्रश्नों को हमें सेट करना है दिमाग में कि कौन सा प्रश्न कहाँ आएगा। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ना ब्लू प्रिंट को, तो इस ब्लू प्रिंट को मैं आपको दिखाता जा, इसी के अनुसार पढ़ना है कि कितने नंबर का भी हमारा हो गया है, कितने नंबर का हमारा रह गया है, कितना नंबर हमारा तैयार हो गया है। ये पूरी जानकारी, उससे ये पता लग गया है कि हमारी तैयारी कितने नंबर की हो गई है। हमें पूरी 70 नंबर की तैयारी करना है, एक एक पार्ट का नंबर कैलकुलेट करके। इससे हमें ये निश्चित रहेगा कि हमारा कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटा है। यदि हमें ये कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं लगेगा तैयारी पूरी हुई है अथवा नहीं हुई है। इसका पता आपको तब लगेगा जब आप पूरी तैयारी कर रहे होंगे, सर ने बताया वो क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम सेट हुए। यही तो मास्टरमाइंड क्लासेस की खासियत है कि पहले टारगेट तैयार किया जाए कि इतने किलोमीटर दौड़ना है तो उतने समय में दौड़ना है, तो हम लोग सही समय पर सही जगह पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं सही समय पर पूरे कोर्स को पहुंचा देता हूँ, और सही नंबर लाना है तो उसके लिए हमें ये ब्लूप्रिंट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप स्क्रीन को देखते जाइए, स्क्रीन के अनुसार मैं आज आपको फसल उत्पादन का शुरुआत करता हूँ। तो फसल उत्पादन में हमारे सामने ये आज देखेंगे कि ये फसल उत्पादन है, और इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ये इकाई देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इकाई। तो यहाँ पर इकाई दी है, तो इकाइयों के नाम दिए, जैसे जल निकास इकाई पर कितने अंक बोर्ड ने दिए हैं, इस पर 4 अंक दिए हैं। और इस प्रकार से इस पर 1 अंक का कोई प्रश्न आएगा, नहीं आएगा। 2 नंबर का कोई प्रश्न आएगा, नहीं आएगा। 3 नंबर का प्रश्न आएगा, कोई नहीं आएगा। और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ये रहेगा। तो कुल मिला के जल निकास पहला पार्ट है हमारे फसल उत्पादन का, उसमें से हमारे सामने 4 नंबर का क्या आएगा, एक प्रश्न आएगा। आप बस पेंसिल को देखते रहिए। उसके बाद 2 और 3, 2+3 पार्ट में आएगा पादप पोषण एंड खाद, यानी प्लांट न्यूट्रिएंट एंड मैन्योर्स आएंगे इसमें। तो इस जो देसी खाद है और जो रसायन है उसका मिलकर के हमें दोनों पार्ट पढ़ना है। दोनों पार्ट में से 4+2 = 6, अर्थात 6 नंबर में माना गया है इसको। और इसमें से दोनों में से 3 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, 3 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, और ये कहाँ आएंगे, 7 से 9 नंबर के बीच आएंगे। अब आता है हमारे सामने 4 नंबर पर उर्वरक। उर्वरक पार्ट वाला पार्ट 4 नंबर का है, और इस पर क्या आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो बहुत इजी है, तो हमें पहले से ही सेट कर सकते हैं हम लोग कि 4 नंबर का प्रश्न कौन सा है और उसमें कितने शब्दों में इसको पढ़ना है। तो हम हाईजेस्ट 100 शब्द तो कम से कम रखेंगे ही, तो इससे नंबर फुल मिलेंगे, फुल लिखेंगे, है ना, फुल लिखेंगे, फुल नंबर मिलेंगे, शॉर्ट करेंगे शॉर्ट नंबर हो जाएंगे। तो उसमें जो निर्देश आते हैं पेपर में, तो उसमें लिखा होता है कि एक मतलब 5 से 7 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें 1 से 25 शब्दों में उत्तर देना है। फिर 25 से 3 नंबर वाले रहते हैं उनमें 25 से 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। फिर 3 से 4 नंबर है 75 से 100 शब्दों में उत्तर देना होता है। और 4 से ज्यादा नंबर का है तो 100 से 150 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। तो उस हिसाब से हमें शब्दों का ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से सेट करेंगे तो खुद 3 घंटे पेपर हो जाता है। लेकिन अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इसको मात्र 1 घंटे में, इस बार कुछ इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों केवल 57 मिनट में पेपर खोल करके रख दिया, बाकी वो 2 घंटे बैठे रहे। तो इस प्रकार से आप भी दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस प्रकार से माइंड में सेट कर लीजिए कि 1 नंबर का कितना होता है, 2 नंबर का कहाँ आएगा। एक एक क्वेश्चन आपको पता होगा एग्जाम जाने से पहले कि 4 नंबर पर क्या आ रहा होगा, 5 नंबर पर क्या आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन आपको पता होगा पहले से ही ऑलरेडी। मैं आपको लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आएगा तब मैं उससे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ये 16 नंबर पर कौन सा प्रश्न आ रहा होगा, 18 पर कौन सा प्रश्न आ रहा होगा। ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ऐसा मजेदार सेट होता है, और उसी हिसाब से बच्चे 90% पास कर जाते हैं, अर्थात परसेंटेज आती है 90% एग्रीकल्चर में। बस हिंदी इंग्लिश का आप ध्यान दीजिए।
अब आता है यूनिट 5। यूनिट 5 हमारे पास क्या है, पौध संरक्षण। फर्स्ट, इसके पौध संरक्षण का मतलब प्लांट प्रोटेक्शन, उसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट एक एंड सेकंड। तो 5 पार्ट फर्स्ट है, वो 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? टोटल 3 नंबर का है। इसमें से 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव आएगी और 1 नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 3 नंबर हुए। अब आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। तो पौध संरक्षण सेकंड में हम 3 नंबर का देखेंगे, 3 नंबर का पार्ट है और 3 नंबर का ही इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इसको हम प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ेंगे, इस पार्ट के टोटल ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है। अब आता है फसलों की खेती। क्या आती है? फसलों की खेती फर्स्ट, ये 5 नंबर की आएगी। और 5 नंबर की आएगी तो इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और यह है कहाँ आएगा, 17-18वें क्वेश्चन का आएगा ये। इस प्रकार से हम सेट करके चलेंगे और एकदम फिट बैठेंगे आपके क्वेश्चंस। बस यही है, आप इसे गौर से पढ़ते रहिए। और मेरे यहाँ परसेंट आती क्यों है, मध्य प्रदेश में बच्चों की परसेंट जो हाईएस्ट जाती है, सारे बच्चे 80+ जाते हैं, 95-97 नंबर क्वेश्चंस तक आते हैं परसेंट, लेकिन हिंदी इंग्लिश में कम आते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश का भी याद रखें। तो फसलों की खेती सेकंड, सेकंड हमारे पास कितने नंबर की आएगी, 4 नंबर की आएगी। 4 नंबर में से एक क्वेश्चन हमारे 4 नंबर का आएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें से। दूसरा आता है मशरूम की खेती। मशरूम की खेती में से क्या आएगी, ओटी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये तीन तीन ओटी या खालिस्तान या जोड़ी में एक एक क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। अब तक 3 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क के आएंगे। अब आता है हमारे सामने अलंकृत बागवानी। यह है 10 और 11 दोनों पार्ट मिलाकर के 3 नंबर का है और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, बस आएगा एक क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का आएगा। अब आता है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण कितने का है, 4 नंबर का पार्ट है, और 4 नंबर में से एक क्वेश्चन हमारे सामने कितने का आएगा, 4 का आएगा, ये भी बहुत इजी हुआ। अब आता है फसलों की खेती फर्स्ट, ये 5 मार्क का नंबर है और इसमें से एक ओटी आएगी और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है फलों की खेती सेकंड, ये भी 5 नंबर का है, इसमें से तो 5 नंबर का सीधा एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें बनेगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत अच्छी बात है, इसको अपन लोग जान जाएंगे कि कितने नंबर पर जाके आएगा, 18 नंबर या 17 नंबर पर जाके क्वेश्चन फंसेगा। अगला है हमारे सामने 16 का क्वेश्चन आता है, पार्ट 16। पार्ट 16 में वो पार्ट 15 औषधि पौधों की खेती। क्या आएगा, औषधि पौधों की खेती, अर्थात यहाँ पर औषधियों से संबंधित हमें जानकारी देना और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आएंगे 3, अर्थात ओटी, खालिस्तान, जोड़ी या मैच में या बॉटनिकल नेम वगैरह आएगा। तो एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे इसमें से। अब आता है हमारे सामने व्यावसायिक फसलों की खेती। व्यावसायिक फसलों की खेती में हम देख रहे हैं जैसे कि इनको खेतियों को व्यापार करते हैं, जैसे कि पुदीना है और ये क्या नाम उसका, घास है, हरी चारा वगैरह इनको बेचते हैं, वो वाला है व्यवसायिक फसलों की खेती में, ये भी 3 नंबर का, इसमें से भी होती आएगी, है ना। अब आता है फल परीक्षण तकनीक, अर्थात फलों को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, आम अचार मुरब्बा जेली के द्वारा बचाया जा सकता है। तो उस वाले पार्ट में से कितने नंबर का, ये पार्ट है 4 नंबर का, इसमें से 2 नंबर की होती आएंगी और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है। अब आता है हमारे परिरक्षित उत्पादन का उनका विपणन, यानी अचार को बना लिया है लेकिन उसे व्यापार कहाँ करेंगे, इस संबंधी कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। कितने नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में। तो 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, क्या आएगा, 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से अगला 19वां पार्ट हमारे सामने आता है कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये है पार्ट 3 नंबर का, इनमें से 1 नंबर की उठी आएगी और 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, आएगा 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते जाएंगे कि पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने दिखाई दे रहा है और इसके अनुसार ही हम चलेंगे। अगला आता है हमारे सामने भू सर्वेक्षण। क्या आएगा, भू सर्वेक्षण 20 पार्ट है, 20 पार्ट भी 3 नंबर का है और इसमें से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा एक, हम ऑब्जेक्टिव आएंगे एक ही नंबर के 3। इस प्रकार से पूरे हमारे 70 नंबर का होता है, बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होना बराबर 100 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इसमें करीबन 90 से ऊपर नंबर ला सकते हैं या हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें निर्देश दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं दोस्तों, निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों को हमें पढ़ना है, क्या करना है, निर्देशों को पढ़ना है और उन निर्देशों के अनुसार ही हमें चलना है। इसमें क्या निर्देश दिए हैं, यहाँ पर प्रश्न पत्र हेतु कुछ विशेष दिए हैं,
प्रश्न गुना एक से चार तक, और चार के बाद ये वस्तु निष्ठ प्रश्न होंगे, एक एक में चार चार वस्तु निष्ठ प्रश्न होंगे, इस प्रकार प्रश्न पांच तक ये आएंगे, मैचिंग एक बात में उत्तर वगैरह आएंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक पांच से 20 तक प्रत्येक प्रश्नों की सही समय सीमा दी गई होगी और उनके शब्द सीमा भी दी होंगे। यदि अति लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे जो एक से सात नंबर तक आएंगे, तो 5 से 7 नंबर तक आएंगे, वो अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, 2 अंक के होंगे, उसमें 30 शब्द की शब्द सीमा होगी, फिर 75 शब्द सीमा होगी, फिर 120 शब्द सीमा होगी, 150 शब्द सीमा होगी, उस प्रकार से हमारे पास ये रहेंगे। उसके बाद ये कठिनाई का स्तर दिया बोर्ड ने, कठिनाई का स्तर 40% कैसा रहेगा, 40% सरल प्रश्न आएंगे और 45% एवरेज प्रश्न आएंगे और 15% कुछ कठिन प्रश्न भी हो सकते हैं। तो अब हमें इस प्रकार से पूरी ब्लू प्रिंट की जानकारी हुई और इस ब्लू प्रिंट के अनुसार ही पूरे साल पढ़ना है। तो अब हम अगली क्लास लेंगे, उसमें पहला पार्ट का नाम होगा जल निकास, और जल निकास हम पढ़ेंगे। जल निकास कितने नंबर का था, कितने नंबर का था, उसी हिसाब से हम उसको सेट करेंगे। 4 नंबर का था, तो अब हम 4 नंबर के हिसाब से प्रश्न पढ़ेंगे, 2 नंबर के छोटे प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, 5 नंबर के बड़े प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। 4 नंबर में कितने शब्द चाहिए, करीबन 100 शब्द का चाहिए, 100 शब्द कितने में हो सकते हैं, कम से कम 5 या 6 लाइन पर एक उत्तर होना चाहिए, 5 या 6 लाइन में उत्तर होगा तो बेहतरीन हमारे को नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, और शेयर बहुत जल्दी जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट, और बेल आइकन को दबाते जाइए, और कम से कम लाइक तो दबाइए, इतनी मेहनत करने के बाद आपको घर बैठे क्या एक लाइक नहीं दबा सकते।